सर वी आर ऑन लाइव। ओके नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं फेमस सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी डॉक्टर राजन भार्गव सर। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आज का जो शुभ दिन है, शुभ बसंत पंचमी, तो सभी व्यूअर्स के साथ साथ आप सभी को शुभ बसंत पंचमी। बहुत बहुत मैं सब आपके व्यूअर्स को और आपको भी बसंत पंचमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भार्गव सर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी। ईएनटी का मीन्स सर थोड़ा सा अगर हम लोग समझें, नाक कान और गला, जो मैं समझ पाता हूँ, बिल्कुल सही है ना सर? तो डॉक्टर राजन सर कानपुर पेज और चाय पे चर्चा पेज एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। सर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक जो एक परंपरा है, जो एक ट्रेडिशन है, कि सबसे पहले हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, एक छोटा सा परिचय हो आपकी तरफ से, फिर हम लोग लाइव सेशन की ओर चले। ठीक है। शुरुआत करने से पहले अवधेश जी, मैं आपका और आपके पेज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सराहनीय पहल है आपकी, इस तरह से आप हम सबको अपने तरह तरह के श्रोतागणों से जोड़ पाते हैं, हम अपनी बात कह पाते हैं, वो अपनी परेशानियों को सुन पाते हैं और शायद उससे उनका ज्ञान वर्धन होता है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, करीबन करीबन 22-23 साल से कानपुर में ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रीजेंसी अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी वहां पे सेवाएं देता हूँ। मैं उससे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में, और उसके बाद इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए चला गया था। सामान्य नाक कान गले के रोग उपचार और सर्जरी के अलावा मेरे एक्चुअली कुछ एक बड़े पसंदीदा क्षेत्र हैं जिसमें मेरा कुछ योगदान इस शहर में रहा है, जैसे हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी। इस क्षेत्र में कैंसर की बहुत बहुतायत है और हम उसका कारण सब लोग जानते हैं। मैं नाक और कान के द्वारा ब्रेन की ऑपरेशन, जिन्हें स्कल बेस सर्जरी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे काफी करता हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट और सहायता मिली है इस क्षेत्र में और इस शहर से। तीसरा जो मेरा के काम है वो है जो बच्चे बिल्कुल सुन और बोल नहीं पाते हैं पैदाइशी, वो अगर हमारे तक आते हैं 5 साल की उम्र से कम के, तो हम उनका एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन बोलते हैं, वो मैं करता हूँ। और उसमें खास बात यह है, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, इसलिए एक भारत सरकार की पहल के तहत जो लोग एक खास क्राइटेरिया में आते हैं या एक एक क्या कहूँ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के नीचे होते हैं, उसमें मैं ये ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ, जो नॉर्मली 7 से 8 लाख रुपए के करीब आता है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूंगा जो भी श्रोता आप हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, अगर वो इस तरह के बच्चों को किसी भी तरीके से जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, तो वो हमारे तक उनको पहुंचाएं, हम उनकी पूरी और भरपूर सहायता कर सकेंगे। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, अदरवाइज इस तरह के बच्चे ना कभी सुन पाते हैं ना कभी बोल पाते हैं, बट इस ऑपरेशन के द्वारा वो पूरी तरह से सुन पाते हैं और बोल पाते हैं और एक सामान्य जीवन जीते हैं। ठीक है अवधेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सर बहुत बड़ी जानकारी दे दी, आपने ईएनटी के साथ साथ ऐसी जानकारी दे दी जो शायद मुझे भी मालूम ना थी। सर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ईएनटी और कोरोना आपस में मुझे ऐसा लगता है जुड़ा हुआ है, तो पहला जो सवाल आ जाता है वो सवाल आ जाता है, क्या जो आज का टॉपिक भी है, क्या नाक का बंद होना और गले में खराश और दर्द, क्या कोरोना के या कोविड के सिम्टम हो सकते हैं? बिल्कुल अवधेश जी, ये बहुत ही सामान्य बात है और एक सामान्य से प्रश्न भी है, क्योंकि देखिए कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं या कोविड की जो परेशानियां होती हैं, वो एक सामान्य फ्लू या अमूमन बुखार सर्दी जुकाम से बिल्कुल अलग नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, जैसे गले में खराश होना, गले में दर्द होना, नाक का बहना, शरीर में ऐंठन और टूटन होना, बुखार हल्का सा आना, ये कोविड में भी ऐसा ही होता है और सामान्य फ्लू में भी होता है। बस ये है कि कुछ कुछ जो कोविड के वेरिएंट्स होते हैं उसमें फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है,
और एक सामान्य फ्लू में सिर्फ गले के सिम्टम तक बात रह जाती है और उससे आगे नहीं बढ़ पाती। इनको पहचान करने में सिर्फ एक ही चीज काम आती है कि अगर आप इनका टेस्ट कराएं तो पता चल पाता है कि ये कोविड है या नहीं है, अदरवाइज सब बिल्कुल, एक जैसे। मैंने ऐसे नहीं जाना जा सकता इनको, बिल्कुल नहीं, बिना टेस्ट के नहीं पता चल सकता, बगैर टेस्ट सबका के एक नहीं जा जैसे। सकता। सर, कोरोना का जो पहला फेज है या दूसरा फेज या तीसरा फेज, सबने देखा, पहला फेज और दूसरे फेज ने सबको डरा दिया। सर आपने भी देखा होगा, आपके जो सर मैं जानना चाहता हूँ छोटा सा आपसे शॉर्ट में, कि क्या आपका अनुभव रहा? पहला फेज तो सभी ने देखा, दूसरा फेज तो डरावना था, तो क्या आपका अनुभव है? अवधेश जी, जो मेरा 2 साल का अनुभव रहा है इसमें, इलाज भी करना, कोरोना के पेशेंट्स का इलाज भी करना और देखना भी, पहले फेज में तो सच बात यह थी कि हम भी डर गए थे। हमारे लिए भी एक सीखने का अनुभव था, हमने कौन से कोविड के पेशेंट पहले देखे थे, तो ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। तो हम भी जानकारी ले रहे थे, सरकार से रोज नए मापदंड आ रहे थे कि कैसे इलाज करना है, कैसे इलाज नहीं करना है। तो पहला फेज तो किसी तरह से निकला, दूसरे ने तो वाकई डरा दिया। इतनी मौतें देखी, इतने रिश्तेदारों की, इतने पहचान वालों की, क्योंकि दूसरा फेज जो था वो डेल्टा वेरिएंट था, उसमें पहले ही गला खराब होना, जुकाम होना, नाक का महक चले जाना और उसके बाद अचानक से सबके फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, फिर सांस फूलना, फिर वेंटिलेटर, फिर ऑक्सीजन, ये और तरह तरह की दवाइयां, तो वो बिल्कुल ही अलग था। अब ये तीसरा फेज आया है, ये अलग तरीके से व्यवहार करता है, इसमें ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो नाक और गले तक सीमित रहती हैं, कुछ कुछ लोगों में फेफड़ों तक जाता है मगर ज्यादा में नहीं जाता। तो ये अलग अलग स्थितियां रही हैं, और इसमें क्योंकि ये वायरस है तो इसमें इस तरह के म्यूटेशन या बदलाव आते रहते हैं और वो अलग अलग तरीके से शरीर को असर करते हैं। सर, किसी व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम आने में कितना समय लग सकता? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या हुआ कि पहले और दूसरे फेज में हमने देखा कि कोरोना का अगर एक मरीज दूसरे मरीज से मिलता है तो उसमें जो सिम्टम आते थे वो 5 से 7 दिन तक में आते थे, क्योंकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या दूसरे तक पहुंच पाने की क्षमता कम थी। बट हम देख रहे हैं ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से दूसरों तक पहुंच जाता है, बहुत ही कंटेजियस है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, और ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही हम हमारे पास कोई मरीज आता है, हम बस इतना भर पूछते हैं कि भाई किसी पार्टी शादी ब्याह में गए थे या कुछ लोग तुम्हारे पास नए आए थे इस गले खराब और जुकाम के वक्त, तो पता चल जाता है कि 2 3 दिन पहले ही कोई आए थे या हम किसी घर पार्टी में गए थे। और जाहिर सी बात है, जब हम पार्टी में जाते हैं तो मास्क तो नहीं लगाते हैं, और नतीजा ये है, पता चला घर में सबको कोविड हो गया। सर, एक और सवाल आ जाता है इसी से जुड़ा कि कोविड तो सभी ने देख रहे हैं, पर जो वेरिएंट है, खासतौर से जैसे ओमिक्रोन हो गया, डेल्टा वेरिएंट, जैसे आपने बताया डेल्टा ज्यादा खतरनाक था, एक नया शब्द ओमिक्रोन आ गया, तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसके साथ एक बहुत जुड़ा हुआ फन फैक्ट है। फन फैक्ट ये है कि ये अजीब अजीब से विचित्र से नाम क्यों रखे जाते हैं, ये सब एक्चुअली ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, और ग्रीक्स अल्फाबेट्स में 24 अल्फाबेट होते हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन है, ये 15वें नंबर का अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है। तो ये एक्चुअली 15वां वेरिएंट है कोविड का। इन 2 साल में 15 बार ये वायरस जो है बदल गया, तो ये 15वां है, इसलिए इसका नाम ओमिक्रॉन रखा। एक्चुअली क्या होता था कि पहले लोग जहां पे कोई वेरिएंट आता था उस देश का नाम जोड़ देते थे, जो बहुत खराब बात। भाई जब डेल्टा आया तो लोगों ने कहा ये इंडिया में निकला है, उससे पहले जब चाइना से निकला तो वुहान वायरस हो गया, फिर ये ओमिक्रॉन आया तो किसी ने कहा ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। तो किसी देश को हम किसी वायरस के साथ जोड़ नहीं सकते, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के वायरसेस हैं, मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कोविड का ही है, बट इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं इसके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, तो इसका व्यवहार शरीर में, मानव शरीर में अलग अलग होता है। अब हमें पता चला जैसे कि डेल्टा जो था वो पहले नाक और गले तक अफेक्ट करता था, वो फिर सीधे फेफड़े में चला जाता था, और फेफड़े में जाते ही मसला बहुत सीरियस हो जाता था।
ओमिक्रॉन के साथ पता चला कि ये जाता है किसी किसी में फेफड़े तक, बट उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूं कि आज के 15 मिनट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो इस पूरे 15 मिनट का निचोड़ है, वो ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो वो ओमिक्रॉन हुआ भी तो आपका हॉस्पिटल में जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तभी शायद हम आपका तीसरे फेज को बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो तीसरी चीज जो होती है, कोई भी वायरस हो, ओमिक्रॉन भी हो, और इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, कि इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं जो आज नहीं आपको पता चलेंगे, बाद में पता चलेंगे। जैसे मैं आज भी डेल्टा वायरस के बाद के पेशेंट्स जिनको एक एक साल पहले इन्फेक्शन हुआ था, आज भी देख रहा हूं कि साहब बीच बीच में ऐसा टाइम आ जाता है कि नाक की महक चली जाती है, स्वाद चला जाता है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, किसी किसी नस में इफेक्ट हो गया तो वो शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आज भी चल रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी होते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिए कि ये तो एक सामान्य फ्लू है और आएगा चला जाएगा, हमें क्या करना है। नहीं, ऐसे नहीं है, बचाव अपना करना है, हो गया तो फिर इलाज भी करना है। यानी कि कोविड की वजह से अगर हम लोग सब जीवित हैं और घरों में स्वस्थ हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर परिवारों को जाता है, तो हमारा एक सैल्यूट तो बनता ही है डॉक्टर परिवार को। तो भगवान को आपको धन्यवाद देना हाँ, ईश्वर के साथ डॉक्टर, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, सभी को थैंक यू, जिनकी वजह से सब लोग एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तीसरा फेज हम लोगों ने नहीं देखा इतना खतरनाक, क्योंकि सारे लोग वैक्सीन लगभग ले रहे हैं और उसका जो भी गाइडलाइंस उनका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजन भार्गव सर, सीनियर कंसल्टेंट ENT, अपनी सेवा दे रहे हैं रीजेंसी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में। साथ ही बहुत सारी खूबियां हैं सर के बारे में बता पाना मेरे शायद मेरे शब्दों में नहीं है। सर, जो अगला सवाल आ जाता है कि मेरे पास कोई लक्षण नहीं, मेरे में मैं किसी को बीमारी दे सकता हूं, हो सकता है सामने वाला मेरे से ज्यादा अफेक्टेड हो जाए, क्या संभव है? ये बिल्कुल संभव है। इसमें दो संभावनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक, मतलब मेरे अंदर वायरस है मगर अभी सिम्टम नहीं आए हैं, तो मैं दूसरों के संसर्ग में आऊंगा तो मैं दूसरों को वायरस दे दूंगा, तो वो तो प्री सिम्टोमेटिक हो गया। और दूसरा है ए सिम्टोमेटिक, कि मेरी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि वायरस हुआ मगर मुझे कोई सिम्टम नहीं हुआ, मगर मैं किसी दूसरे को वायरस दे सकता हूं, ट्रांसमिट कर सकता हूं, क्योंकि मैं अभी कंटेजियस फेज में हूं। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर एसिम्टोमेटिक हूं, मुझे कोई जुकाम खांसी नहीं है, तो मैं दूसरे को वायरस नहीं दे सकता हूं। इसलिए सरकारें बहुत जोर जोर के बोलती हैं, बहुत बार कहती हैं, और हमारे कॉमन सेंस भी है कि भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो अगला इंसान हमारे पास खड़ा हुआ है वो एसिम्टोमेटिक हो, कैरियर हो और हमको वायरस दे दे, हमें नहीं पता ये बात। बहुत सही सर, आप चूंकि ENT से जुड़े हैं तो सर सवालों के काफी झड़ी सी है मेरे पास। पहला एक और सवाल आ जाता है कि जैसे नाक का बंद होना या गले का बंद दर्द होना, भाप लेना जो प्रक्रिया देखी गई है, क्या कहाँ तक सही है सर ये सब जो प्रक्रिया देखिए, है हम लोग करते हैं? भाप का एक अपना फायदा है, और वो फायदा यह है कि भाप जब ली जाती है तो अंदर का, नाक का और गले का टेम्परेचर बदल देती है, अंदर मॉइस्चर दे देती है, और जब मॉइस्चर होता है तो हमारी जो अंदर की एक सरफेस के ऊपर, नाक और उसकी कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे हम सीलिया बोलते हैं, उस सीलियरी मूवमेंट इंप्रूव कर जाता है। सीलियरी मूवमेंट इंप्रूव करने से क्या होता है कि जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं, गंदगी है, वो जल्दी साफ हो जाती है और हम ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। मगर साथ ही साथ में मैं एक आपको इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा जो इससे थोड़ी सी पलट है, इसको ओवरडू नहीं करना है। पता चला कि 2 साल से लोग सवेरे से शाम तक चार चार पांच पांच बार भाप ले रहे हैं, नहीं भाई, उसमें तो नाक के आप कोशिकाओं को डैमेज कर देंगे, वो नहीं को करना। कोरोना का जो डर जो सता रहा है, हाँ, वो डर ज्यादा हो जा रहा है, पता चला कि सवेरे शाम गर्म पानी और काढ़ा और भाप पिए जा रहे हैं और सब वो नाक और गले को और उल्टा असर डाल रहा है, वो नहीं करना है। हमें सेंसिबल रहना है, जब वो जुकाम खांसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो भाप एक अच्छा नेचुरल
रेमेडी है, एक अच्छी कुदरती चीज है जो इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल सर, एक बस आपका आखिरी सवाल लूंगा, ज्यादा समय नहीं ले मैंने आपका। सर जिनकी उम्र, खासतौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन 40 से लेकर 60 साल के जो यूथ हैं, या जो सीनियर सिटीजन जिनको भी 50 60, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन और भी सीनियर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना नो इफेक्ट ना करते? तीन चार चीजें जो मेरे एकदम से दिमाग में आती हैं। नंबर एक, मास्क का प्रयोग करना ही करना है, मास्क को छोड़ना नहीं है। और खासकर अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाएं तो ये जो कपड़े वाले मास्क हैं ये काम नहीं करते। इसमें आपको, अगर आप उसको बेयर कर सकें, देखिए हमें तो आदत है मास्क लगाने की, मगर अगर आप बेयर कर सकें तो N95 लगाइए। आप घर में जाएं या छोटे छोटे मोटे इलाकों में जाएं, तो किसी दुकान में जाएं तो ठीक है, आपने कपड़े वाला मास्क लगा लिया, मगर अगर भीड़ वाले इलाके में जाएं तो एक N95 मास्क लगाइए। इससे सबसे ज्यादा बचत होती है, इससे बड़ी वैक्सीन कोई नहीं है। दूसरे, कोशिश करें जहां तक संभव हो, जहां तक प्रैक्टिकल हो, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाएं आज भी। तीसरा जो महत्वपूर्ण मैसेज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा आपको बचाव देती है। बहुत लोगों ने मेरे को आके कंप्लेंट करी, हमने तो दोनों डोज लगवा ली थी, फिर अब हमारे को कोविड कैसे हो गया? अरे तुम ये कंप्लेंट करने लायक हो कि तुम्हें कोविड हो गया, उसका कारण है कि वैक्सीन ने काम किया, अस्पताल में भर्ती नहीं हो, सांस नहीं फूल रही है। सबसे बड़ा काम जो वैक्सीन ने किया कि अब तो सर देश भी कह रहा है, अब तो रेट सर ऑफ देश भी कह सीरियस रहा है। इज सो डाउन बिकॉज ऑफ वैक्सीन, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से हम सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि 1 साल पहले, 9 महीने पहले किस तरह से पूरा देश त्राही त्राही कर बैठा था, किस तरह से लोग अपने कंधे पे ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके दौड़ रहे थे। भगवान ना करे ऐसी चीज, ऐसी त्रासदी हमें फिर से फेस करनी पड़े। तो बिल्कुल, तभी सर कोरोना हारेगा और मैं देश जीतेगा, जैसे आज भी सार्थक हो रहे हैं। बिल्कुल 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 मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, डॉक्टर राजेंद्र सर सभी सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर एक्टिव होंगे, और आप इनसे राय मशवरा ले सकते हैं। बहुत ही हम्बल है, सो हम्बल है, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप अवेलेबल हैं, और व्यूअर्स को जितनी जानकारी दी, मुझे लगता है लोग सेटिस्फाइड होंगे और उतना ही उपयोग करेंगे ना अपने गले के लिए, अपनी नाक के लिए, जितना संभव हो। आपको ज्यादा भाप नहीं लेने, अगर आवश्यकता है तभी आप भाप लें, अन्यथा ना लें। अवधेश जी, अगर आप 1 मिनट का मौका और दें बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सर, एक बिल्कुल छोटी सर, सी चीज और बताना चाहूंगा बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी वार्ता समापन होने से पहले। एक बहुत महत्वपूर्ण नया टर्मिनोलॉजी आई है जिसका नाम है कोविड ईयर। जी सर, कोविड ईयर क्या है कि कोविड के इन्फेक्शन में नाक कान गले के डॉक्टरों ने पहले नहीं समझा, अब हम 1 1.5 साल बाद समझ रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शन जो है कान की तंत्रिकाओं में, कान की नसों में चला जाता है। पता चला उससे कान की सुनने की नस चली गई, कान में सीटी और घंटियां बजने लगी और चक्कर आने लगे। ये पहले नहीं हमने देखा था, और सच मायनों में, क्योंकि जो चीज आपने सुनी नहीं, जो चीज आपने पढ़ी नहीं, जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं, उसको समझने में टाइम लगता है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि कोविड का एक और असर जो नाक कान गले के डॉक्टर देखने लगे हैं और बहुत रेगुलरली देख रहे हैं, वो है कोविड ईयर, जिसमें कान में सुनाई चली जाती है, कान में आवाजें आने लग जाती हैं और चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसी कभी स्थिति हो तो फटाफट किसी एक अच्छे ENT डॉक्टर के पास जाइए जो आपको इसकी अप्रोप्रिएट या सही दवाई दे सके और ये वापस लाई जा सकती है, ठीक की जा सकती है। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे आगे भी आपके जो लाइव सेशंस हैं हमें देखने को मिलेंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको कितना धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी ये कितनी बढ़िया सोच और पहल है। होपफुली हम आगे भी इस तरह से आपके साथ मिलते रहें। थैंक सर, आपने कीमती समय दिया, आपका आभार, थैंक यू सो मच, यू, थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू, थैंक यू ओके। सर, थैंक यू।